हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक आईटेल का कीपैड वाला फ़ोन आया हुआ है। इसका जो इसमें प्रॉब्लम क्या फ्रेंड, ये ऑन नहीं हो रहा, और इसकी जो पावर आईसी है, पावर आईसी में छेद हो गया। जैसा कि देख सकते हो, पावर आईसी जो है वो जल गई है। कई बार ये चार्जिंग में लगा के, कस्टमर का ये फ़ोन है और उन्होंने कहा इसको चार्ज में ला के वो रखा हुआ था काफ़ी देर तक, उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट जैसे होता है उस हाई वोल्टेज के वजह से इसके अंदर जो फ्रेंड वो आईसी के अंदर देख सकते हो यहाँ पे छेद हो गया है, तो ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। और जो फ़ोन का हम चेक करते हैं यहाँ पर एक बार मीटर से, ठीक है फ्रेंड, तो एक बार इसके जो मीटर से चेक कर लेते हैं आईसी के अंदर, जैसा कि आपने देख लिया वो छेद हुआ है, तो एक बार इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं मोबाइल शॉर्टिंग है या नहीं है। वैसे मैंने चेक कर लिया, बट एक बार मैं आपको शॉर्टिंग दिखा देता हूँ। तो फ़ोन के अंदर ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है, जैसा कि देख सकते हो ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव वाले पे भी हम टच करके देखते तो यहाँ पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव पूरा फुल शॉर्ट दिखा रहा है। जैसा कि एक बार फिर से ट्राई करते देख सकते हो आप, तो फ्रेंड ये जो है वो आईसी के वजह से शॉर्ट दिखा रहा है, क्योंकि आईसी जो है वो शॉर्ट हो गई है। आईसी के अंदर जो वो पूरा तरीके से वो आईसी जल गया, छेदा हो गया आईसी के अंदर, तो इसके वजह से ये दिक्कत आ रही है। कई बार ये हाई वोल्टेज के वजह से दिक्कत आती है चार्जिंग सेक्शन में लगने की वजह से। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के अंदर इसको जो हम चेंज करेंगे, ये जो पावर आईसी है, इसको पावर आईसी बोल सकते हैं, सीपीयू बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये इसी के अंदर मर्ज की हुई है, एक ही आईसी है, सारी चीज़ें इसी के अंदर से काम होती है कीपैड वाले फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो आईसी है एक बार चेंज करेंगे और चेंज करके देखेंगे कि ये फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलो अभी हम थोड़ा सा रोजिन पेस्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस आईसी को निकालने के लिए। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना किस तरीके से मैंने इसका जो पावर आईसी उसको चेंज किया है, और किस तरीके से मैं निकालता हूँ, किस तरीके से लगाता हूँ, वो आप इस वीडियो में देखना फ्रेंड, ठीक है। तो और बात करें टेम्परेचर की इसकी, तो फ्रेंड तो टेम्परेचर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 300 तकरीबन टेम्परेचर है, और इसकी जो टेम्परेचर हीटिंग की बात कर रहा हूँ, अगर एयर की मैं बात करूँ तो 1 पे एयर है। फिर मैं बता दूँ कि जो और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जो SMD मशीन है उसमें सब में अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग हीट निकलता है, ठीक है। कई बार मैंने लोकल वाले मतलब जो है SMD में देखा है, उसमें कुछ ज़्यादा हीट निकलता है, जो आपके नॉर्मली जैसे क्विक वाले SMD है, मैक्स के SMD है, तो उसमें नॉर्मल निकलता है। तो इस तरीके से जो कुछ कुछ मतलब SMD है, सबका अलग अलग हीट है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो अपने हिसाब से आप हाथ पर नोटिस कर लिए। वैसे नॉर्मली जो 350 के समथिंग में इस जो पावर आईसी को आप निकाल सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस जो पावर एसी निकाल दिया है, और इसकी जो बॉलें हैं उसको यहाँ पे मैंने साफ़ भी कर लिया है कॉटन की मदद से, बॉल भी पूरा साफ़ मैंने कर लिया, तो अभी ये साफ़ हो चुका है। जैसा कि आईसी में यहाँ पे मैंने रखा हुआ एक आईसी है मेरे पास, जो कि ऑलरेडी मैंने किसी और दूसरे फ़ोन से निकाला हुआ है और उसको मैंने रिवॉल्व भी किया हुआ है। तो यहाँ पर आईसी आप देख सकते हो, इस आईसी का जो नंबर है वो देख सकते हो, मैं दिखाने की थोड़ा साफ साफ कोशिश करता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे ये MT6261 और DA करके ये आईसी है MediaTek का, और इसको हम एक बार लगाएंगे फ़ोन के अंदर और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता दूँ, आईसी जब भी आप लगाते हैं निकालते हों तो उसका जो बुंदा होता है, जैसे कि साइड में नोकीला साइड में एक गोल सा बुंदा दे रहा है, उसको आपको नोटिस करना है किस साइड से लगा हुआ था, वो आपको ज़रूर देखना है। अगर आईसी के बॉल में कोई अगर डिज़ाइन होगी तो आप नहीं भी देखो तो चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर कई बार आईसी जैसे 8952 हो गई, 8940 हो गया, तो ये सब आईसी के अंदर पूरे में बॉल होती है, तो उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो उसमें आप उसमें भी एक जो आईसी के ऊपर एक गोल सा बुंदा बना होता है वो आप देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। उसको देख के आप आईसी सही तरीके से लगाना, और जो इसमें एक लाइनिंग है, जैसे कि वही ये वाइट लाइन है चारों तरफ से, ये वाइट लाइट के अंदर भी आपको लगाना है आईसी को, जिसे चारों तरफ से आप देख सकते हो कि वाइट लाइन जैसी बनी हुई है, उसके अंदर ही आपको आईसी को जो है प्रॉपर बैठाना है, और जो है आपको प्रॉपर इस पर जो हीट दे के हल्का सा आपको हीट से आईसी को एक जगह बैठा देना है। उसके बाद जो है आपको कोई भी जो पेस्ट आप यूज़ करते हो उसको हल्का दे के आईसी को आपको मूव करना है। तो फ्रेंड मैंने जो है आईसी को अपने जगह पर बैठा दिया, अभी हम यहाँ पर रोजिन पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे हम रोजिन पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस रोजिन पेस्ट को डालने के बाद हम हल्का सा आईसी को मूव करेंगे फ्रेंड। मूव करने से क्या होता है ना कि आपकी जो आईसी होती है वो प्रॉपर एक जगह पे बैठ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो फ्रेंड हल्का सा अब आईसी को मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो पेस्ट लगा दिया है, आपको आईसी पे एक ही जगह पे हिट नहीं करना, आपको जो आपका SMD ब्लोअर है उसको आपको थोड़ा सा घुमाते रहना, ठीक है। आप हल्का सा देख सकते हो, यहाँ पर मैं आईसी को मूव करता हूँ, हल्का सा आपको हल्का आईसी को मूव करना है, ठीक है फ्रेंड। और ज़्यादा मूव नहीं करना, हल्का मूव करना है कि आईसी की जो बॉल होती है वो एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप आईसी को आपको हल्का सा मूव करना है, और जो ब्लोअर होती है, जो आपका हीट होता है, वो टेम्परेचर वो सेम रखना है, और ज़्यादा हीट एक ही जगह पर आपको नहीं देना है, ठीक है। आपका ब्लोअर जो है हैंड से आपको हल्का घुमाते रहना है उसको।
तो फाइनली यहाँ पे जो है आईसी लग गया है, ठीक है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। और वेट करने के बाद थोड़ा सा बोर्ड ठंडा होने का वेट कर लेते हैं, देखते हैं। अभी एक बार हम शॉर्टिंग भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले शॉर्ट आ रहा था, नेगेटिव पॉजिटिव फुल शॉर्ट आ रहा था। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आईसी अब मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो चलो एक बार इसको जो है शॉर्टिंग को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक बार इसकी शॉर्टिंग को हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड, शॉर्टिंग अभी है या नहीं है। तो जैसा कि ये नेगेटिव पे मैंने टच किया, और ये नेगेटिव ही ये रिवर्स वाइज पे, जैसे पॉजिटिव पे मैंने नेगेटिव सटाया, यहाँ पे नॉर्मल रीडिंग है। अभी हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव सटाएंगे, इसको हम फॉरवर्ड वाइज बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, जैसा कि पहले शॉर्टिंग आ रहा था, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम निकाल देते हैं, और निकालने के बाद फ़ोन को एक बार ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं, आईसी थोड़ी सी इसकी हिट थी। चलो तो अभी इसका जो ऊपर का कीपैड पत्ता होता है, इसको यहाँ पे हम सिंपली लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम एक बार लगा देते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी हमारी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक लाइक कर दो भाई, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक है फ्रेंड। और एक लाइक ज़रूर मेरे जो है एक लाइक ज़रूर कर दे फ्रेंड। और हमारे चैनल पे आप नए हो, और ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, ठीक है। अभी हम एक बार फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है, मैंने लाइव किया आपके सामने में, ठीक है। ये छोटा फ़ोन है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, बट अब कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे फ़ोन से ही बड़ा फ़ोन करोगे, ठीक है। तो आप जो है कोई भी आईसी का काम इजीली कर सकते हो, बट आपका जो थोड़ा हाथ का स्किल है वो बेहतर होना चाहिए, और हाथ की जो प्रैक्टिस है, जैसे कई लोगों का हाथ जो वो ज़्यादा हिलने लगता है, तो वो आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम सारा कीपैड को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारा जो कीपैड है वो वर्क कर रहा है, क्योंकि जो कई बार जो है इसके अंदर तो उसी आईसी से कीपैड का भी कनेक्शन होता है, तो कई बार ऐसा होता है बॉल नहीं टच करने के वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड। तो फाइनली यहाँ पर फ़ोन ऑन हो चुका है, सारा कीपैड वगैरह जो है वर्क कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम इसको एक बार फिट कर लेते हैं, और उसके बाद एक बार ऑन करके देख लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें फ्रेंड, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।